जानिए वोटर आईडी को आधार से कैसे लिंक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, समय तेजी से बदल रहा है और भारत सरकार भी अपने कदमों की तालमेल समय के साथ बनाए हुए है। हाल ही में भारत सरकार ने एक नियम के अंतर्गत आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करने की सुविधा का उद्घाटन जनता के लिए किया है। अभी आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, एसएमएस फोन या बूथ स्तर के अधिकारियों के पास जाकर आधार को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड से जोड़ सकते हैं। अब आप अपने पैन कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। सरकार ने बुधवार 22 दिसंबर 2021 को वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए चुनावी कानून में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इस बिल के अनुसार पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वालों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए एक साल में 4 बार मौका दिया जाएगा। फिलहाल 1 जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के होने वालों को मतदाता पंजीकरण की अनुमति दी गई है। आधार संख्या का उपयोग केवल मतदाता प्रमाणीकरण के उद्देश्य से किया जाएगा। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस बहुत आसान है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वेब पेज के जरिए वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का आसान प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको वेबसाइट www.voterportal.eci.gov.in पर जाना होगा। दिए गए ऑप्शन में आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या वोटर आईडी नंबर का उपयोग करके लॉगिन करना होगा और पासवर्ड जनरेट करना होगा। अगले पेज पर पहुंचने के बाद राज्य, जिला और पर्सनल डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि और पिताजी का नाम दर्ज करें। डिटेल भरने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। अगर आपके द्वारा दर्ज किया गया डिटेल सरकारी डेटाबेस में मेल खाता है तो डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगा। फीड आधार नंबर विकल्प पर क्लिक करें जो स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देगा। एक पॉपअप पेज खुलेगा जहां आपको आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल पते सहित अपना नाम भरना होगा। सभी डिटेल सही ढंग से दर्ज करने के बाद इसे एक बार क्रॉस चेक करें। भरी गई डिटेल्स अगर सही हैं तो सबमिट बटन दबाएं। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया है। अब हम जानेंगे आधार को वोटर आईडी कार्ड से एसएमएस के जरिए लिंक करने का आसान उपाय। आप अपने वोटर आईडी को एसएमएस के जरिए भी आधार से लिंक कर सकते हैं। आप 166 या 51969 पर एसएमएस भेजकर भी अपने आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं। आपको करना यह होगा कि अपने मोबाइल में वोटर आईडी नंबर, आधार नंबर टाइप करें और इसे ऊपर दिए गए नंबरों पर एसएमएस द्वारा भेज दें। आइए अब देखते हैं फोन कॉल से किस प्रकार आधार नंबर को वोटर आईडी से जोड़ा जा सकता है। आधार नंबर को वोटर आईडी से जोड़ने का एक अन्य विकल्प यह है कि आप कॉल सेंटरों पर कॉल करके भी आधार नंबर को वोटर आईडी से जोड़ सकते हैं। आपको वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 1950 डायल करना होगा और दोनों को जोड़ने के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर और आधार नंबर की जानकारी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ साझा करनी होगी। यदि आप इंटरनेट और फोन के आदि नहीं है तो भी आप अपने आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं। करना आपको ये है कि आप नजदीकी बूथ स्तर के कार्यालय में आवेदन जमा करके भी आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करने का विकल्प दिया गया है। बूथ स्तर का अधिकारी सभी विवरणों को सत्यापित करेगा और विवरण की जांच करने के लिए आपके स्थान पर भी जा सकता है। सत्यापन के बाद इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। सरकार ने सभी वर्ग के नागरिकों के लिए अलग अलग सुविधाजनक ऑप्शन दिए हैं ताकि आप वोटर आईडी को आधार से
आसानी से लिंक कर सकें। हम पहुंचाते रहेंगे जरूरी जानकारी भरा हर एक वीडियो आपके पास। आज के लिए विदा, मिलेंगे फिर अगली बार एक ऐसी ही जानकारी भूर वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।